दुनिया में कब, कहां और क्या हैरान करने वाली चीज मिल जाए, ये कभी सोच भी नहीं सकते। प्राकृतिक के गर्भ में हैरान और प्रसन्न करने वाली ऐसी ऐसी चीजें छिपी हुई हैं, जिसके बारे में इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के मछुआरों के हाथ एक ऐसी मछली लगी जिसकी प्रजाति कम से कम 42 करोड़ साल पुरानी मानी जा रही है। इसे दुनिया से विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन जब मछुआरे ने इस मछली को पकड़ा तो इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। हिंद महासागर में बसे मेडागास्कर के तट पर मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के हाथ लगी ये विलुप्त मछली। इस मछली के 4 पैर हैं, जिसे देख मछुआरे भी हैरान रह गए। वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि 4 पैर वाली ये मछली करीब 42 करोड़ साल पुरानी प्रजाति की है और इस मछली को सियोलकेत के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ये मछली डायनासोर के समकालीन है और इसका फिर से मिलना पूरी तरह से दुर्लभ माना जा रहा है। समुद्र के अंदर से अक्सर अद्भुत चीजें हमें मिलती रहती हैं और ये मछली भी अचानक ही मिली है। मोगबे न्यूज के मुताबिक मेडागास्कर के तट पर कुछ मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए थे। मछुआरों के निशाने पर शार्क मछली थी, जिसे पकड़कर वो पंख और तेल हासिल करना चाह रहे थे। शार्क मछली को पकड़ने के लिए एक खास तरह के जाल गिलनेट्स का इस्तेमाल किया गया, जो समुद्र में 328 फुट से लेकर 492 फुट तक जा सकता है। जब मछुआरे शार्क को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान जाल में सियोलकेत मछली फंस गई। मछुआरों के जाल में फंसी यह सियोलकेत मछली के 4 पैर और 8 पंख हैं और इस मछली को 1938 तक विलुप्त माना जा रहा था, लेकिन एक बार पहले भी ये मछली साउथ अफ्रीका के समुद्र तट पर मिल चुकी है। वैज्ञानिकों में हैरानी इस बात को लेकर है कि आखिर 42 करोड़ साल पुरानी यह मछली की प्रजाति अभी तक धरती पर मौजूद कैसे है, जबकि इस दौरान पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थितियां कई बार बदल चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका के जर्नल ऑफ साइंस में एक रिसर्च के दौरान यह कहा गया है कि शार्क के शिकार की वजह से सियोलकेत मछली के अस्तित्व गंभीर में आ गया है। आपको बता दें कि 1980 के बाद ये शार्क मछलियों का काफी तेजी से शिकार किया जा रहा था। रिसर्च का कहना है कि मछुआरे ने शार्क मछली को पकड़ने के लिए जिलनेट की काफी खतरनाक खोज की है। ये इतना विशाल होते हैं कि समुद्र में काफी गहरे पानी में होने के बाद भी ये जाल मछलियों को फंसा लेते हैं। शोधकर्ताओं का क्या डर है? सियोलकेत मछली के एक बार फिर से मिलने के बाद शोधकर्ताओं के मन में इस मछली को लेकर आशा की किरण भले ही जाग गई है, लेकिन रिसर्च का मानना है कि इस अद्भुत मछली का बड़े पैमाने पर शिकार कर इसके अस्तित्व को खतरे में डाला जा सकता है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मेडागास्कर की सरकार अभी तक सियोलकेत प्रजाति की मछलियों के शिकार पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा पाई है, जिसकी वजह से मछली की इस प्रजाति के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, लव यू ऑल।